नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मंदा नदी के किनारे बसा मंदूर शहर के मतदाताओं की संख्या लगभग 2,16,200 है, कुछ उस तरफ तो कुछ इस तरफ। मंदूर की जनता इस शहर की इज्जत और शान की हिफाजत करते हुए आराम से रह रही है। ये बहन इस शहर की बहू हैं, इसीलिए मंदा नदी के पानी को अपने मायके के पानी से जोड़ना चाहती हैं। जरा सनकी और मंद बुद्धि है। अपने मायके के इलाके में ये अपने बेटे को एमएलए बनाने का सपना देख रही हैं। ये है एक्स एमएलए सेसप्पा। जैसे सांप की दुश्मनी 12 साल की होती है, वैसे ही इनकी दुश्मनी 14 सालों से है। हमारी फिल्म खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी दुश्मनी खत्म नहीं होगी। आप खुद ही क्लाइमैक्स में देख लीजिएगा। ये महाशय सरोजा बहन के हस्बैंड हैं। नाम के लिए सिर्फ सिंपल एक दिखावे के रूप में नाम गुजू गौड़ा है, और ये नाम बिल्कुल इनके लिए सटीक है। अब जरा आगे चलते हैं। ये हैं सरोजा बहन की बेटी गौरी। ये दिखने में तो बड़ी भोली लगती हैं, लेकिन आगे आप खुद ही देखेंगे कि ये कैसी हैं। भाई की प्यारी बहन ये खुद एक पूरी की पूरी फिल्म है। इस फिल्म की एक और कैरेक्टर हैं, जिन्हें सोने के गहनों का बहुत शौक है। पूरी की पूरी दुकान दिखती हैं ये। उन्हीं की बेटी है हमारी हीरोइन समीक्षा। गांव में कोई भी उसका नाम ठीक से नहीं ले पाता। समिस्का। हमारी सरोजा बहन का एक लाडला बेटा भी है, नाम है संतोष कुमार उर्फ बंटी अलियास संतू। जब मैं पिछली बार जीता था ना, तो मेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही थी, इसलिए तब मैं सिर्फ अपने परिवार पर ही ध्यान दे पाया था। क्या करता, प्यारे कर्जदारों और मतदाताओं, ये मेरा बेटा संतू है। ये आप सबके प्यार और ब्याज का सबूत है। तुम सबको इसे वोट देकर जिताना होगा। मान लो अगर ये जीत जाता है, नहीं नहीं नहीं, इसे आप लोग जिता कर ही रहेंगे। लेकिन इस बार वैसा बिल्कुल नहीं होगा।
लेकिन अगर इस बार आप लोग मुझे दोबारा वोट दोगे तो मैं आप सबकी कसम खा के कहता हूँ, मैं आप सबके परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके जीतने के बाद तुम सबकी किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि अब हमसे जो भी कर्जा लेगा उसे ब्याज देने की जरूरत नहीं। परिवार को 40 किलो चावल फ्री दूंगा। हाँ, आ जाओ आ जाओ। 1 ग्राम सोना फ्री। घर के हर एक मेंबर को काम दूंगा। मतदाताओं के लिए खुशखबरी, मेरा बेटा जीता तो असल ब्याज सब माफ। क्या सब? चल बेटा संतू, अपना हाथ उठा। असल ब्याज सब माफ। माँ से पूछता हूँ। माँ। संतू। ए संतू। अरे माँ, क्या हुआ? हम काम कैसे करेंगे माँ? क्यों रे, कोई टेंशन वाला सपना देखा क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ। ए, तेरी उम्र में लड़कियाँ सपने में भी आकर बहकाती है। अरे माँ, इलेक्शन का ना तेरी की। अरे मैंने भी वही सपना देखा। तुमने भी देखा? हाँ। मैं जीत गया था। अरे तू ही जीतेगा, कोई शक है क्या? अच्छा? हाँ ऐसा ही। क्या हुआ बेटा? संतू, आपके पतिदेव सब देख रहे हैं। अरे रे 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 रे। हेलो, आपने भी कोई सपना देखा क्या? मैंने कोई सपना नहीं देखा। क्या हुआ सुबह सुबह ये दिमाग खराब करने वाली बात क्यों कर रहे हो? मैं तो चला जिधर चले रास्ता। देखो माँ, तुम्हारे पति का रिएक्शन। तेरा बाप भी कुछ कम नहीं है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे तुलसी देवी नमस्कार। माँ, मेरा मंगलसूत्र हमेशा सुरक्षित रहे। सिर्फ यही लोग ही नहीं, आसपास के 10 गांव के लोग मुझसे ही कर्जा लेते हैं यहाँ आकर। ओ भगवान, सबका भला करना, चाहे कोई बर्बाद हो जाए लेकिन मुझे हमेशा आबाद रखना। सुबह सुबह सब एक साथ आकर यहीं मरते हैं, मेरा दिमाग खराब करने के लिए एक एक करके नहीं आ सकते क्या? चलो आ जाओ सब लोग इधर। ए नरसिम्हा, नरसिम्हा, सब आ गए ना? चल शुरू कर। ये भी ना मरने के लिए आकर बैठ जाती है। आ जाओ। क्या बहन, असल या ब्याज? असल। असल है, ठीक है वहाँ जाओ। कमला बहन, अच्छा तुम्हारा क्या है? ब्याज। ब्याज है, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। आओ चाय पियो। हाँ ठीक है, और पैसा चाहिए तो मेरे पास ही आना। ठीक है, चलो एक सर दर्द खत्म। हाय। कितना चाहिए? 50,000। मालकिन से बात की? ये लो लगाओ। नहीं नहीं वैसे नहीं, इस तरह से पकड़ कर ऐसे दबा कर और ऐसे। चलती हूँ। हेलो, ये सुनकर थक गया हूँ, इसे इंग्लिश में बोलो, तुम भी तरक्की करोगी। सिखाओ क्या? चलती हूँ को इंग्लिश में किस यू बाय कहते हैं। एक बार बोलो किस यू बाय। एक बार और बोलो किस यू बाय। किस यू बाय। ये कोर्ट और केस तो लगा ही रहता। नमस्ते है बहन। नमस्ते। नमस्ते। हम लोगों को तो सिर्फ आप ही का सहारा है बहन जी। ए, ये कैसी बातें कर रही हो, मैं मर गई हूँ क्या? सुख दुख तो इंसान की जिंदगी में आता जाता रहता है। देखो ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, समझी? ये लो रख लो, चलो जाओ जाओ। धन्यवाद। जाओ जाओ, ये मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा क्या है असल या ब्याज? मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, मुझे और पैसा चाहिए। मैं देने के लिए तैयार हूँ लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वहाँ मालकिन बैठी है, जाकर बात कर लो, वो दे देंगी तो ठीक है। जाओ आगे तुम्हारी किस्मत। नमस्ते बाजी। ए, ये नौटंकी मेरे सामने मत करना, पहले 2 एकड़ जमीन के कागजात लेकर आओ। जाओ जाओ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। तू मांगे और ना दू, ऐसा हो सकता है क्या? कहाँ थी अब तक इतने दिन? जरा काम था। कल मिलोगी क्या? कल भी मुझे काम है, परसों मिलूं क्या? क्या काम है? कल मेरा पति जेल से छूट कर आने वाला है। उस रावड़ी के पास गया था, क्या हुआ? मालकिन,
उस राउडी के पास गया था, उससे पैसे मांगो तो आग बबूला होता है, लड़कों को भेजता हूँ तो भगा देता हूँ, फोन करता हूँ तो उठाता ही नहीं, इसलिए खुद जाकर असर लेकर आऊंगा मैं, नहीं दिया तो ब्याज मांगूंगा, फिर भी नहीं दिया तो उसके हाथ पैर काट के बोरी में भर दूंगा। ए राउडी गड़ा गड़ा गड़ा। शेर को रास्ते में भागते हुए देखा होगा, जंगल में भागते हुए देखा होगा, जू में भागते हुए देखा होगा, लेकिन शेर को गैरेज में भागते हुए कभी देखा है क्या भाई? पर असल और ब्याज नहीं पहुंचा तो यह संतू तेरी बीवी को विधवा बना देगा। देता हूं, मैं देता हूं, देता हूं। सीमा,
हाँ मालकिन, उस पुलिस वाले का जरा हिसाब बता। ओ मालकिन, किस पेज में है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मालकिन, पुलिस वाले का नाम है हनुमंता, 48 साल उम्र है, 84 किलो वजन है। अपने औरत को गहना नहीं दिलाया इसलिए वो नाराज होकर किसी रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाले के साथ भाग गई। उसकी एक बेटी है, उसका नाम है सुचित्रा, जो LKG में पढ़ती है। वो हमसे उधार लेकर बीवी को भगाने के बाद, बोरियत दूर करने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी जो साली है, अरे 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 अरे, तुझे हिसाब मांगा तो तू कुंडली बता रहा है। क्या है बेटा? ये लो माँ, गौड़ा का हिसाब। वाह मेरे लाल, तू तेरी जिंदगी पर जब देखो तब बिल्डअप देता ही रहता है। बेटा हाँ। तू जरा उस पुलिस वाले का हिसाब बता। पुलिस वाले का हिसाब बताऊं? माँ, संक्रांत को पैसा देने का वादा किया, संक्रांत को जाकर मांगा तो नए साल में दूंगा कहा, नए साल में गया तो 2 महीने के बाद दूंगा कहा। 2 महीने बीत कर 4 महीने हो चुके हैं, ना असल दिया ना ब्याज। असल और ब्याज मिलाकर 6,95,395 रुपए हो जाते हैं इंक्लूडिंग टैक्स। देखा ना, हिसाब इस तरह बताया जाता है, इसकी जुबान पर है सारा हिसाब, नहीं तो तू नालायक कहीं का। तू संतू, पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों से जरा इस बारे में बात करके आ। सुन, अगर उसने ज्यादा है हूं किया ना तो उसे उठा ला, मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, तुमसे नहीं हुआ तो मैं जाकर। आप जाएंगे? बिल्डअप दे रहे हो? ओके। पुलिस स्टेशन में कोई लफड़ा हुआ ना तो मुझे फोन कर, मारपीट मत कर, समझाना। सही, पहले इसे गन लेकर रखो नहीं तो किसी को शूट कर देगा। ज्यादा ही हो रहा है। इसे कॉलेज छोड़कर वहाँ से सीधा पुलिस वालों से मिलकर आता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ए, चलो अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं होकर आता हूँ। नरसिम्हा जी, हाँ गाड़ी स्टार्ट रखना, कोई मारने आया तो चुपचाप भाग लेना। हाँ 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 हाँ, मैं गया तो ए, क्या कर रहे हो? आप अंदर जाइए, गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना। हमेशा ये सब छोड़कर चले जाते हैं, मुझे डरते हैं कहीं मैं किसी का सर न उड़ा दूं। सिम्हा नरसिम्हा, आया मालकिन। चलो उतरो। ठीक है, आती हूँ भैया। पैसे हैं क्या? बाय बाय। ओके बाय। एक इट्टी, चल पीछे बैठ। क्यों? हीरोइन मैं हूँ या तू है? तू ही है बाबा, चला जा। संतू, यही गाड़ी, यही रोड, यही चेहरा कितनी बार देखोगे? बोर नहीं होते हो क्या? एक काम करो, मैं छोटा सा फ्लैशबैक बताता हूँ, उसे देख लो। उसमें नफरत है, लव है, फाइट है, भाई बहन माँ बेटे का सेंटिमेंट है। बहुत मजा आएगा, देख तो लो। ये देखते ही उसकी आंखों में चुभने लगेगा, बिन बुलाए मेहमान के जैसे टपक जाता है। इसकी वसूली से मैं तंग आ चुकी हूँ। भाग्या माँ जी, हाँ चलो लाओ। संतु, संतु सच में बेटा तू सही समय पर भगवान बनकर आया है। तुझे क्या बताऊँ बेटा, मेरे बेडरूम में एक सांप आ गया है। जब से उपेंद्र की फिल्म नाग देखी है तब से मुझे हर जगह सांप दिखाई देता है। अरे कोई तो आओ मेरी मदद करो, कोई सांप पकड़ने वाला है क्या? संतु, संतु तू है ना, जरा तू ही चल कर देख ना बेटा। मुझे समझ के क्या रखा है, सांप पकड़ने वाला हूँ क्या? चलो पैसा निकालो। अरे 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 अरे, डर के मारे मैं कब से बाहर खड़ी हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद ही नहीं करता। कोई तो मेरे, अरे हट, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। घर के अंदर सांप है कह रही हूँ, लेकिन कोई उसे नहीं भगाता। अरे कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? ए जयम्मा, तू जरा इधर आना, जयम्मा का बेटा कालिया। कर्जा लेकर गहने बनाती है, पैसे लेने वाला आता है तब इसकी यही नौटंकी होती है। एक बार वसूली वाला मुस्तफा आया था तब भी ऐसे ही किया था, अभी वो ऐसे ही कर रही है। बहन इसकी तो हमेशा की यही नौटंकी है। ए, सावित्री कम से कम तू तो यहाँ, तू क्यों दूर खड़ी होके मजा ले रही है? अरे मैं सोच क्या देख रही हो, जाओ अंदर। हमें क्या करना है, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। ए, चुप रहो, दूंगा एक नौटंकी कहेगी। ए जा, वो कहाँ है देख। गुरु इन औरतों के लफड़े में मुझे मत डालो। थू कमीने साले। ए तू जाके देख। ठीक है। ए रुक जा। क्या? नाराज मत होना बेटा। संतु वो क्या है ना, वो गहने मैंने तुमसे कर्जा लेकर नहीं बनाए हैं, इससे पहले 2-4 लोगों से उधार लेकर बनवाए हैं। वो गहने मत लेकर जा, ये ले ब्याज लेकर जा, रख ले। देख ले पूरे हैं कि नहीं, असल कहाँ है। अगले महीने दे दूंगी, समझा करना। चलो
वो कहाँ गया? कौन? सांप। वो इस चिल्लम चिल्ली में भाग गया। मुआ माटी नहीं ले। पता नहीं क्या हो रहा है यार, पूरा बदन चल रहा है और पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है, अजीब सी ऐठन हो रही है यार। वैसे कल तो मैंने पी भी नहीं थी, सच में पूरी रात में सो भी नहीं पाया, थोड़ी सी आंख क्या लग गई तो जाने कौन कौन आकर सताने लगा। शरीर को या दिल को? कुछ कुछ शरीर को, कुछ कुछ दिल को। रात में कुछ हुआ था क्या? रात में, अरे यार अब मैं क्या बताऊं, छोड़ ना यार। इसका मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ यार जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास चलें क्या? ऐसे ही डॉक्टर के पास नहीं, स्पेशल डॉक्टर के पास। क्या समझते हो रे, अपने आप को नालायक को लव 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 करोगे क्या? ये संतू की बहन है, संतू की बहन है, ये गौरी है, गौरी संतू की बहन। क्या करूं तेरा, मारू या छोड़ दूं तेरे को? हाँ तेरी तो दलिंदर कह के लव लव हुआ है क्या तेरे को? इसकी तेरी कौन हूँ मैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर से आए हैं? मुझे पता नहीं, आप जो भी हैं अगर खुश बता दे तो। उप्पी का डायलॉग। हाँ तेरी तो संतू का डर नहीं है तुझे? बिना कॉमन सेंस की औला तो कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन की तरह तुम लोगों की बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम लोग क्या करोगे? हाँ कम ऑन टेल मी। गौरी है गौरी, संतू की बहन और संतू की सगी बहन, तुम्हारी तो नालायक को लव 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 हो गया तुम लोगों को। गौरी है ये मेरी बहन, संतू की बहन है, समझा? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा किसी की बहन के साथ नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को भी अन्याय के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, समझ गए ना? पहले ही बोलता हूँ, बजाओ ताली बजाओ, ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। चलो बजाओ ताली। अबे मेरी स्टाइल में कह रहा हूँ, कोई भी नालायक किसी की माँ बहन पर नजर नहीं डालेगा। ये सब क्या हो गया यार, बिना लव के भी कोई जिंदगी है क्या यार? अरे लाइन मारना तो हमारी ब्लड में शामिल है यार। हाँ? गुरु बताओ क्या करूं गुरु? उसका सामना करके लाइन मारोगे या फिर टीसी लेकर शहर ही छोड़ दोगे? वो हमारा कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम तो कमाल दिखा सकते हैं। अरे अगर इसी तरह चलता रहा तो सारी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। पूरे दिन का खाना एक ही साथ थोड़ी खा सकते हैं, खाने के बाद में कुछ तीखा कुछ मीठा चार पापड़ ये सब मिले तो ही अच्छा लगता है। ऐसे तो दुकान छोड़कर मंदिर में बैठना पड़ेगा। हम बूढ़े ऐसा करें तो माना गलत है, पर वो तो जवान है ना। वकील साहब आप उसे समझाइए। One day old boy and girl going in honeymoon forest attack tiger once ladies. Hey, क्या कर रहा है? मैं जब से इस घर में आया हूँ तब से देख रहा हूँ आप इन्हें एक टपली मारती हो, मुझे एक भी नहीं। बकवास बंद कर। माँ क्या हुआ बेटा? इसे कॉलेज में छोड़कर मैं भी कॉलेज जाके आता हूँ। जरा मुझे बता संतू, तेरी बहन क्या पढ़ रही है? तुम्हारा सिर, अरे ये तुम्हारी बेटी है। तू क्या पढ़ रही है जरा बता इन्हें, सच में बताना क्या पढ़ती है? रहने दे। BA2। हाँ BA2। और तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं एक मिनट। उस दिन वो इंग्लिश किताब लाकर रखी थी जिसे पढ़ी नहीं, वो लाके पापा को दे दे, मुंह बंद हो जाएगा उनका। BA2। सुन रही हो ना? माँ तुम्हें अपनी आंखों से ठीक से दिखाई देता है ना, तो तुम्हारा पति ऐसी बात कर रहा है? तुम अंदर जाओ। ठीक है बेटा। पिताजी पिताजी आपकी उम्र हो गई है, जवानों की फिक्र करना छोड़ दो, इस उम्र में ये सब किस लिए? एक काम करते हैं, वो अधेड़ उम्र की जो विमला आती है, जो कचड़े वाली है ना, आइटम है, बुलाऊं क्या? चलेगी? मुझे तुझे एक और है उसको बुलाता हूँ। मेरी बात कोई सुनने को तैयारी नहीं है। मैं सुनाता हूँ। वन नाइट फर्स्ट नाइट इज द गर्ल। चुप रहे, सब मुझे ही डोज देते रहते हैं। क्यों बॉयज, दो पैक में ही लुढ़क गए क्या? क्या यार तुम लोग भी
संतो, कोई भी किसी की माँ बहन पर नजर नहीं डाल सकता है क्या? ये तूने अच्छा नहीं किया गुरु, तुझे सिर्फ गौरी के बारे में बात करना चाहिए था, तूने तो पूरे शहर पर पाबंदी लगा दी। उपेंद्र कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा था। पता है शहर में लड़कियाँ किसके पीछे भागती है? किसके पीछे यार, कैसी बात कर रहा है, हमेशा मुझे ही बदनाम करता है। गुरु तू अपनी पाबंदी हटा ले, नहीं तो तू कौन और हम कौन, शहर की सारी आंटीज को अनाथ बनाकर कहीं दूर चला जाऊंगा। अबे तू क्यों भागेगा यार, जो आंटियां अपने घर वालों से परेशान है वो किसी ना किसी को लेकर भाग जाएंगे। जानता है मुझे 3 साल लग गए उसे कांटे में फंसाने के लिए। कांटे में फंसी है ना, अगर उसे संभाला नहीं ना तो वो भी भाग जाएगी। अरे तू भूल गया क्या, जब हम कलेक्शन के लिए गए थे तो उस दिन झगड़े के बाद वो लड़की मिली थी, वो लड़की वही है। अच्छा मैं भी यहाँ से ना गायब हो जाऊंगा, लेकिन उसे पहले कुछ करना होगा। सुन यार, कुछ तो कर हमारे लिए। ठीक है प्यारो, मैं काम करता हूँ, कल सबको इकट्ठा करके बात को वापस ले लेता हूँ। प्यारे भाइयों, मेरा सबको प्रणाम। कल गुस्से में आकर पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया था, कोई टेंशन मत लेना, कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कर देना। देखो भाइयों, मेरी बहन और गौरी को छोड़कर शहर की जितनी सारी लड़कियां हैं सबको पटा लो, प्यार कर लो, लाइन मारो, नमस्ते। ग्रेट गुरु, कल तुम बोलोगे? नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ और करता हूँ, सब कुछ पब्लिक पर छोड़ते हैं, जिसे जो आए करने दो, कौन पूछता है। ठीक है देखते हैं यार। मेरी जान बच गई। आपकी बुक। ओके बाय डार्लिंग, जरा संभल के आ। ए विनो, जाकर उस पुलिस वाले को बुला कर ला जल्दी। किसका है बे, काफी देर से घंटी पर घंटी बज रही है। अरे कोई नहीं, मेरा दोस्त है दीन बंधु। गुरु एक और दोस्त है भीम, परसों बस में मिला है, मिला था, उसे तुम नहीं जानते, इसीलिए तुम गलत सोच रहे हो, उसी का फोन है। अबे फोन दे। गुरु सच बता। गुरु वही है पानी वाली आंटी। पर गिरी वो तो शादीशुदा है ना? अरे उसका पति मामू टाइप का है, बेचारी उसी के लिए मैं यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। छोड़ कर आऊं? गुरु पहले काम पूरा कर लेते उसके बाद देखते। कमीना जहां मिले मुंह मारते। गुरु पुलिस स्टेशन में 2 ही लोग हैं, बोलो तो उन पुलिस वालों को मक्खन लगाकर यहाँ पर लाऊं। अच्छा स्केच बनाना पड़ेगा। कैच गुरु। वसु तू कुछ भी बोल, वसु सुनकर ही डर लग रहा है, लगता है उसके कान के नीचे 2-4 पड़े नहीं है। ए, क्या हुआ? इलेक्शन के लिए अभी 2 साल भी बाकी नहीं है और हमारी हिस्ट्री सुनकर बच्चे भी रोने लगते हैं। अरे हमने कोई रेप नहीं किया, मर्डर नहीं किया, किडनैप नहीं किया, एटलीस्ट मोबाइल में कोई पॉर्न फिल्म भी नहीं देखी, फिर कौन हमें राजनीति में आने से रोकेगा। बिल्कुल सही गुरु। जैसे वो लॉयर गले पड़ गया था ना, वैसे ही पुलिस को उठा कर ले आएंगे, वो जज अप्पा फुसकारते हुए सांप के जैसा पहुंच जाएगा। फिल्मी डायलॉग मत बोलो, ज्यादा फिल्में देखना बंद कर दो। एक काम करते हैं, उस पुलिस वाले को उठा कर ही ले जाते हैं। पुलिस वाले को? अगर वो खुद हमारे साथ आया तो? मेरा मतलब है खुद से। मैंने बुलाया तो वो जरूर आएगा, फिर भी हम उसे उठा कर ले जाएंगे, वो अंदर से थर थर कांपना चाहिए, तब कहलाऊंगा एक होने वाला एमएलए। अरे यार एक लार्ज भी है, उसका क्या करोगे? क्या लार्ज? हाँ लार्ज भी है। अरे किसे? अरे वो 2 पुलिस वालों को यार। एक काम करते हैं, पहले फोन लगा कर मैं बात कर लेता हूँ। इस बार अधिवेशन में दिखावे के लिए उन्हें बस अरेस्ट कर लेंगे, समझी ना? क्या मतलब? माँ किससे बात कर रही हो, फोन इतना बिजी आ रहा है। सरजा तू कुछ भी कर ले, ना कोई तुझे अरेस्ट करेगा ना तुझे कोई हाथ लगाएगा, इस तरह का तुम्हें दिखावा करना है, समझी ना? ऐसा हो सकता है वसु? माँ फोन उठाओ ना माँ। हाँ मुझे तुम पर भरोसा है वसु। ये हुई ना बात, काम हो जाएगा। माँ का फोन तो बिजी आ रहा है, एक काम करते हैं दोनों को उठा कर ले चलते हैं, थोड़ा थ्रिल होगा, ठीक है देखते हैं क्या होता है। चल ओके। चलो चलो। ए मामू चलो
उठ चल। मैंने क्या कर रहा है? तेरी तो चल। अरे बता ना। अरे क्या कर रहा है? अरे संतोष सुन। अबे चुप। अरे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आइए उठा। चलिए सुनो। चलिए चलो। अच्छा। अरे बना जाइए। आइए। आराम से सुनो। आइए। तेरी बात सुनो। अरे अरे। उसे मुझे छोड़ दे। मैं चिल्ला रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। गाना हो गया, फाइट हो गई, लव हो गया, भाई बहन का सेंटीमेंट हो गया, माँ बेटे का बिजनेस भी हो गया, हीरो का इंट्रोडक्शन हो गया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कमीने की लव स्टोरी अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। एक काम करते हैं, पहले फ्रेंड्स लोग, उसके बाद बाकी सब। हीरो हूं ना, जरा बिल्डअप देना पड़ेगा। संतु के अटैक से उबरने में मंदूर को 6 महीने लग गए। अब जाकर कहीं मंदूर में स्थिति सामान्य हुई है। श्वेता, I love you. हेलो, कैसी हो? देखो आज मुझे बता ही दो, तुम्हें मेरे पास आने में अभी कितना वक्त लगेगा? अच्छा ठीक है, भगवान भगवान तो ऊपर ही है ना, जो सब देखते रहते हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, आराम से रहो, एकदम कूल रहो, मैं हूँ ना। ओके बाय। नो सेटअप, नो वर्कआउट, अभी सिंगल, ट्राइंग हार्ड, मिलेगी बॉयफ्रेंड। हस्बैंड। अरे सारे रॉन्ग नंबर्स मुझे ही क्यों मिलते हैं? किट्टी सोच रहा है कि मैंने इमोशनली एक लड़की को पटा लिया, लेकिन पता है आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, आखिरकार मिल गई कंजूस किट्टी को ये ज्योति। हमेशा ताड़ी पीने वाले किट्टी को ब्रांडी पिलाने वाली ज्योति मिल गई। क्या जोड़ी है। थोड़ी सी मुझे भी मिल जाती तो मैं भी पी लेता। चुपचाप अपना हिसाब लिखा। ठीक है। सोन जी मालकिन, वो भाग्या माँ का हिसाब दिखा। नाम भाग्य अम्मा, उम्र 45 साल, पति का नाम भोर घंटेश्वर, सिटी में सिक्योरिटी का काम करता है, नाइट में ड्यूटी करता है, दिन भर सोते रहता है। उसकी एक बेटी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं उसे लाइन मारता हूँ। वैसे तो उसका नाम समीक्षा है, लेकिन कोई सही बोल नहीं पाता, सब समीक्षा समीक्षा बोलते हैं, सिर्फ मैं बोलता हूँ समीक्षा। संतु को दाना डाल रही है, अगर संतु मिस हो गया तो मेरी तरफ से तो हमेशा हाँ ही है। मालकिन ऐसे चिल्लाइए मत, डर के मारे सब भूल जाता हूँ। सबकी हिस्ट्री बताने के बाद ही उनका हिसाब याद आता है। वो मैडम बहुत सयानी है, कर्जा हमसे लेती हैं और गहने बनाकर रखती हैं। पैसा मांगने जाओ तो भगा देती हैं। खाना, नाश्ता, यहाँ तक कि बेटी भी छोड़ देंगी, लेकिन गहने नहीं छोड़ेंगी वो। मैंने कई बार लड़कों को भेजकर पैसे वसूलने की कोशिश की, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देती है, मैं क्या करूं? केयर, ये तो हमारे हाथ पर तोड़ने वालों में से। ए संतु, उस भाग्यमा का हिसाब किताब बता मुझे। भाग्यमा का 3 लाख लिए हैं, उसका ब्याज मिलाकर 3,75,000 हो गया। अब तो कोई ब्याज नहीं दिया। तू ही जाकर वसूल कर लेना। जाना बेटा। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। जा जा। संतु, इधर आ। तुझे पता है, समीक्षा दाना डाल रही है, तेरे लायक है, ये बात मालकिन के सामने रख दी है मैंने। बहुत अच्छा किया। मैं ट्राई करता हूँ। उसकी माँ से कहना कि मैंने जरूरत पड़ी तो भेज दूंगा। ए गिरे, उस भाग्यमा की दोनों टांगे पकड़ कर उसे खींच के यहाँ पे ले आओ। जाओ, घुस जाओ सीधा उसके घर में। गुरु, मैडम के पास मत भेजो ना प्लीज। थू, उनके पास जाने से डरता है क्या? वो मैं तुझे क्यों बताऊं? वीना मैडम के पास जाने से? तू पुरानी बातें क्यों निकाल रहा है यार? तू किसी को छोड़ता है क्या? जल्दी बता, नहीं तो किसी और को भेजता हूँ। भाग्यमा जी, ओ सांप वाली भाग्यम्मा जी। बाप रे, वो वसूली वाले फिर आ गए, अब मैं क्या करूं? समीक्षा समीक्षा, वसूली के लिए संतु बाहर खड़ा है, तू जाना बेटा।
इस बार सांप का बहाना काम नहीं आने वाला है। तुझे और संतु को पटाना बेटा। क्या कह रही है माँ? हाँ? आपको पता है ना मैं जवान हो चुकी हूँ, अगर आपकी तरह उन्होंने मुझे भी घसीटा तो? ऐसा कुछ किया तो सेट कर लेना बेटा। पंचायत में बात करके उसे घर जमाई बनाएंगे। हमने कुछ नहीं किया है साबित होगा, फैसला हमारे हक में होगा। आप इतनी गिर चुकी हो कि गहनों के लिए अपनी बेटी को आगे कर रही हो। बेटी इस बार मुझे उधार मिला ना तो तुझे मैं स्कूटी दिलाऊंगी। आज मेरी बात मान ले, सरोजा का बेटा संतू बहुत जाबाज लड़का है, MLA बनने वाला है। बेटी अगर तू अपना दिल बड़ा कर देगी ये सारे गहने हमारे हो जाएंगे। जी एक माँ होकर ऐसा कह रही है? ये क्या बेटी, मेरी बेटी होकर बात सुनने को तैयार नहीं तू, फिर मैं जीकर क्या करूँ? ला थोड़ा जहर ला के दे, पीकर मर जाती हूँ। मरने की हिम्मत है क्या? अभी ला कर देती हूँ। मेरे मरने के बाद ये सब तेरा ही है ना, लेकिन तब तक ये मेरे पास ही रहने दे। बेटी जाना, बेटी तेरे पैर पड़ती हूँ मैं। माँ मुझसे नहीं होगा ये, तुझे मेरी कसम है। आप ना पत्थर से बनी है, इतनी जल्दी नहीं मरेंगी। तुझे तेरे पापा की कसम। माँ अपनी कसम दीजिए, पापा की कसम मत दीजिए। गहनों के लिए पापा को क्यों बीच में ला रही है? तू मेरी सोना है ना, ये ले संभाल कर अलमारी में रख दे। चाचा जल्दी जा, ठीक से रख दे, जा ना। संतू आओ बेटा, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, आ जाओ ना। अंदर क्यों आऊँ, कहानी सुनने? जल्दी पैसा ला कर दे दो, असल और ब्याज दोनों चाहिए। अरे क्या बताऊँ, 2 महीनों से उनकी तबीयत ही ठीक नहीं है। मैं उन्हें जबरदस्ती काम पर भेजूंगी ना तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। मैं ना जाकर उनका ध्यान रखती हूँ, तुमसे मेरी बेटी बात करेगी। हाँ बेटी। समीक्षा, तूने तो कहा था तू इन सब चक्रों में नहीं है। कुछ देर तक नहीं था, अभी कोशिश कर रहा हूँ। वो कैसी है जानने के लिए? इसको भाग्यम्मा को नहीं, सासू माँ को। सासू माँ है? सब समझ गया। समझ गया ना, चलो निकल। लगे रहो भाई। पैसे दीजिए ना प्लीज। संतू। समीक्षा। समीक्षा। हाँ समीक्षा, वो जुबान ठीक से पलट नहीं रही है। रहने दो, छोड़ो। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो। ऐसा क्या, मुझे याद ही नहीं रहा। सासू माँ कहाँ गई? सासू माँ मतलब कौन? वही तुम्हारी माँ। लड़की हंसी तो फंसी। डॉक्टर ने उनसे कहा है कि उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्या, तो उनसे कहो कि अनाप शनाप ज्यादा मत सोचो, बीपी आराम से नीचे उतर जाएगा। हाँ तो फिर असल क्या? समीक्षा एक्सक्यूज मी। हाँ सासुमा। सासुमा इस साल शादी करवा दो, अगले साल ब्याज ही नहीं मांगूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? आपने जिंदगी में एक काम बहुत अच्छा किया। हाँ। एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है। आप जरा रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। अरे 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 मेरे राजा। समीक्षा मैं चलूं? कहाँ? जाके आता हूँ। कब तक लौटोगे? एक घंटे में लौट कर आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूँगी। अच्छा जल्दी आ जाऊंगा। समीक्षा। समीक्षा तुम्हें एक बात बताऊं? क्या है? सासुमा एक चाय। बोलो ना। डेली मुझे 2 घंटे क्लास दे सकती हो? तुम मान गई? तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। वो हृदय नहीं, हृदय होता है। तो फिर 4 घंटे की क्लास दे दो ना। मैं समझी नहीं। 2 घंटा समीक्षा के लिए और 2 घंटा अपने कलेजे के लिए। ठीक है। जहाँ जहाँ मैं अटकूंगा वहाँ तुम मुझे सुधारोगी ना। बदमाश। बदमाश। शरारती। शरारती। अरे 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 अरे, इस जमाने के बच्चे बहुत फास्ट हैं। चाय बनाकर ले जाने तक बच्चे भी पैदा कर लेते हैं।
मुझे लगा कोई चिल्लाया। वो हमारे घर की बिल्ली है, जस्ट इग्नोर। अच्छा, तो मैं चलूं? फिर मुलाकात कब होगी? तुम्हें याद नहीं है क्या? छोड़ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, चलता हूँ। सुन प्यारे, वो मेरी माँ का दुश्मन है, बिना ब्याज के कर्जा दो तो भी लेता नहीं है। ए, मेरी माँ का दुश्मन हुआ तो मेरा भी दुश्मन हुआ कि नहीं? मेरे एमएलए बनने के रास्ते में ऐसे ही लोग मुश्किलें डालेंगे तो खोपड़ी फोड़ दूंगा। भाई, उसे उधार देने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। यही रहो, मैं आ रहा हूँ। तुझे कर्जा क्यों नहीं चाहिए? पूरे शहर वाले ले चुके हैं, एक तू ही है जो नहीं लेता है। लेना, अबे लेना, अबे ले लेना, अबे ले, लेगा कि नहीं? बोल, लेगा कि नहीं? डिस्टर्ब क्या? थू, इस वक्त इंग्लिश जानने की जरूरत थी क्या? यहाँ डिस्टर्ब नहीं कहा जाता, साइलेंस कहते हैं। साइलेंस। अबे तेरी जात का बेटा, मारूंगी तो क्या सिर फोड़ दूंगा मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, इधर ला रहे, अरे तुम्हें चल गए भाई, तुम घर जाओ। अबे मुझे चल, निकल यहाँ से। समीक्षा। हाँ, ए समीक्षा, मैं बाजार जाकर आती हूँ, जरा ख्याल रखना। आराम से आइए, तुम शुरू हो जाओ ना। हृदय। अंदर कुछ धक धक कर रहा है क्या? बहुत ज्यादा धक धक कर रहा है। मेरे दिल की धड़कन नहीं सुनना चाहते तुम? चाहता हूँ ना। तो फिर सुन लो। आराम से आने के लिए थैंक्स, चलता हूँ। समीक्षा, यहाँ क्या चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं है माँ। ठीक है ठीक है, रात का खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप? जरा अंदर आ। सोना मेरे लिए, सोने जैसा लड़का मेरी बेटी के लिए, मैं ना करूंगी। मेरा बेटा भी हिम्मत वाला है, समझ गए? काहे का हिम्मत वाला? अरे तेरे जैसे बहुत एमएलए देखे हैं। संतो, हे संतो, इधर आ। अरे जल्दी आना, अरे आना। अरे संतु, देखना इसे, सप्पा को घर में आकर झगड़ा कर रहा है। मैंने इंस्पेक्टर को उठाकर लाने के लिए बोला, ऐसा इल्जाम लगा रहा है। मैंने कहा था पुलिस वालों को उठाकर लाओ, इंस्पेक्टर को नहीं, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं, बस अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। अरे तू बता ना, किसे उठाकर लाया है? माँ जरा शांत हो जाओ। बकवास बंद कर, मैं सब जानता हूँ। जाके गाड़ी में देख कौन कौन बैठा। हाँ, हाँ, देख। लगता है ब्याज की औलाद का बुरा वक्त आ गया, अगर पता चला तो बैंड बजा दूंगा। आया बैंड बजाने वाला। ए छोड़, ए छोड़, रहने दे। अरे चल छोड़ना। अरे भाई, आपके साले साहब को भी उठा लाए। क्या सरोजा बहन, मेरे साले को उठाने की हिम्मत कर ली? इतनी हिम्मत आ गई तेरे बेटे में? ए, मत बोलो, इस गांव में तुमको ऊंचा उठाने में मैंने तुम्हारी बहुत मदद की थी। लगता है तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। ए सरोजा बहन, तू चाहे किसी की भी कसम दे, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ऐसे सप्पा, मेरी माँ को बीच में मत ला। माँ ने नहीं बोला, मैं खुद उठा के लाया हूँ। जो बात करनी है मुझसे कर। देखो तो, माँ बेटे का सेंटीमेंट जैसे गाय और बछड़ा। देखो कैसे पूंछ हिला रहा। ये कोई फिल्मी सीन चल रहा है यहाँ पर? जाओ जाके तोड़ो उन्हें। चलो चलो चलो, छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, दोबारा मेरे लफड़े में नहीं आना चाहिए। Thank you.
ये तो तूने बढ़िया कल की बात की। ओ सरोजा बहन, तेरा बेटा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया और तू इसे एमएलए बनाने का सपना देख रही है ना। ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को ये उठाकर लाया है, मत भूल। और तुम इल्लीगल तरीके से ब्याज का धंधा भी तो चला रही हो। सेंट्रल जेल में तुम लोगों के लिए एक सेल बुक करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ? क्या इरादा है? सरोजा बहन, मेरा साला बहुत ज्यादा थप्पड़ खा चुका है, कह रहा कि अब वो तेरे बेटे को उठाए बिना नहीं जाएगा। बेटे की सलामती चाहिए तो उसको बोल दे कि वो अब हाथ किसी पे ना उठाए। सप्पा, तुम्हें मुझे जहाँ जैसे मारना है मारो। हाँ? मैं उफ तक नहीं करूँगा। मेरी माँ की खातिर। ए, कौन है? आओ, आ जाओ। खिला के ठीक हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? पता नहीं किसकी नजर लग गई तुझे। तू तेरी तो, ए तू किस तरह का इंस्पेक्टर है? वो जब तेरे हाथ में आया था तो उसे पकड़ के उसके ऊपर केस ठोक के उसे और उसकी ब्याज खाऊ माँ सरोजा को उठा के सीधा जेल में भेजने के बजाय चूहे के जैसे उसे मार खा रहा था और बिलबिलाने लगा। अगर तू उसे जेल में डालता तो मेरा साला मानता। मैंने तो तुझे खानदान में सबसे जबा समझा था। जीजा, आप किस गाँव के हैं? अरे ये कैसा सवाल कर रहा है? बताइए ना किस गाँव के हैं? तिरुपति वेंकट रमन्ना के गांव का। हाँ, इसीलिए तिरुपति वेंकट रमन भगवान ने आपको धन दौलत बहुत ज्यादा दे दिया है जीजा जी, लेकिन अकल देने में थोड़ी कंजूसी कर दी है। ए रिश्वतखोर, क्या बात को कहां से कहां ले जा रहा है? वो छोड़िए जीजू, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? तेरी क्वालिफिकेशन बताने के लिए यहाँ को इंटरव्यू चल रहा है क्या? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, पर क्यों? अरे बताइए तो जीजू। अरे ओ बुद्धू की औलाद, उस शांतला कॉलेज से डिग्री सर्टिफिकेट दिलवाने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अब जरा मेरे पीछे आइए। अच्छा ठीक है भाई, चल। अगर मैंने उन पर केस किया तो वो मेरे पर केस कर देंगे। हाँ। फिर बेंगलुरु से इंक्वायरी आएगी। हाँ। और वहाँ से इंक्वायरी आई तो वो लोग सीधा मेरे पास आएंगे, और मेरे पास आए तो आपके पास नहीं पहुँचेंगे क्या? क्या खोपड़ी चलाई तूने? कभी कभी तो तू ट्यूबलाइट से भी ज्यादा चमकता है। कई साला हूँ जीजू। हाँ तूने सही कहा, इसीलिए मैं कुछ करूंगा नहीं, बस ऐसे ही धीरे धीरे थप्पड़ मार के काम चलाता रहूंगा, काम निकल जाएगा। मान गया तुझे साले। नरसिम्हा, हमारा दिया हुआ असल और ब्याज जोड़कर कितने रुपए होते हैं? 20 करोड़। हाँ उतने तो होंगे ही। सुनिए जी, हमारी जमीन जायदाद मिलाकर कितने होंगे? 30 करोड़। हाँ थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा। क्यों जी, बच्चों की खुशी से बढ़कर हमें इतनी धनदौलत चाहिए क्या? क्या करेंगे लेकर? नरसिम्हा,
आज तक हमारे दिए हुए असल और ब्याज को माफ कर दिया ऐसी घोषणा कर दी। नहीं, 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 इतने सारे पैसों को माफ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से इसे दिन रात मेहनत करके एमएलए बनाना चाहती हो। इलेक्शन के टाइम पर असल और ब्याज सब माफ कर देंगे तो ये गारंटी से एमएलए बन जाएगा। आपकी ये बात सुनकर मुझे आप पर गर्व हो रहा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जो तुम कर रही हो इस धंधे को कानून के हिसाब से करो, मतलब यहाँ एक कोऑपरेटिव बैंक ओपन करो, उस बैंक को अपना नाम दे दो और फिर यानी इलेक्शन के टाइम पर जो जो लोग हमें वोट करेंगे उनका कर्जा माफ करने का ऐलान कर दो। इस बैंक का अध्यक्ष भी तुम ही बनोगी, इस तरह तुम्हारा और उसका नाम बढ़ेगा। क्या इरादा है? इस घर में जो बदलाव आ रहा है वो देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। जब अच्छा वक्त आता है तब ऐसा ही होता है। तुझे बीच में टोकना जरूरी था। ब्याज वसूली संतू उर्फ संतोष कुमार, एमएलए की कुर्सी इतनी आसानी से अगर सबको मिल जाती तो हमारे देश की 125 करोड़ जनता भी एमएलए बन जाती। कुछ समझा क्या? अबे जो हो नहीं सकता उसका ख्वाब मत देख, जा घर जाकर देख क्या चल रहा है। आया बड़ा ठीक है ना? लड़का कौन सा है यार? ये इसका बाप है। लड़का ये है, देख। इसके तो आधे बाल गए हैं। उसके बाप के जैसा है। मेरे बाप के भी कर्ली हेयर थे यार। भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। दिखा गई। बच्ची को जल्दी बुलाओ ना। ए, लड़की आ रही है। मेरी बेटी है। हमारी बेटी गौरी। अभी ना इस घर के दामाद बने हो ना फिल्म के हीरो, चुपचाप बैठो समझे। अंकल जी समझाइए इसको। गौरी 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 रुक तो, क्या हुआ बता तो सही। गौरी अब इसे क्या हो गया? डरना तो इसे चाहिए था, बेचारी डर कर वो भाग गई। जो 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 डरने की कोई बात नहीं है, वो किसी और से प्यार करती है, उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेहमानों से जाने के लिए कह दीजिए, कह रही है कि आप लोगों से बात करनी है उसे। भलाई इसी में है कि चुपचाप निकल जाइए। इज्जत से बात कर। आप लोगों ने तो सुन ही लिया, अब क्या फायदा। जाइए 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 जाइए। सुनिए, हेलो हेलो नमस्कार। इस उम्र में आप टाँका भिड़ाना चाहते हैं, अगर भिड़ भी गया तो वो नन्हे मुन्ने ऊपर वाले के भरोसे रहेगा या कुछ पावर है आप में? शादी करके दो बच्चे पैदा करके दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। गलत तो नहीं बोला इसने, गाड़ी कितनी भी बड़ी हो हुक तो छोटा ही लगता है ना। चामुंडेश्वरी अच्छा रिश्ता था माँ, अब तू ही रक्षा कर माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए। आज असल ब्याज के साथ साथ मेरी इज्जत भी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ माँ। से सप्पा से कहकर हमसे बड़े खानदान वालों का रिश्ता देखा था मैंने। अरे भाग्यवान हमारी इज्जत नहीं गई है, तुम जरा शांत रहोगी क्या? आपका कुछ नहीं पता, चुप रहिए। मेरी इज्जत तो जो मुँह में आए वो बका मत करो, चुप रहो जरा। माँ मैं छोटी सी बात करके पता लगाता हूँ क्या मैटर है, तुम जरा चुपचाप बैठो। लव प्यारी तुझे किसी से प्यार हो गया है क्या?
जान से मार दूंगा तुझे। ए, पागल ये हो गई है, इसे प्यार हो गया है, प्यार लाश शर्म हया सब बेच कर खा गई है। कुछ भी बकवास मत करो संतू, प्यार करने वाले इन सब बातों के बारे में नहीं सोचते। मेरा वो मतलब नहीं था। ए, क्यों महाशय, अगर तुम लोग करोगे तो लव और हम लोग करें तो बेशर्मी। ए, चुप रहो, तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा तो तुम ही समझा दो। समझाने का यही वक्त मिला है क्या? सही तो कह रही है ये। अबे तेरी तो, खैर छोड़ो। अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? ए, तुम दोनों खिलाड़ी हो, किसे प्यार करना है किसे नहीं करना है ये तुम अच्छे से जानती हो। सही कहा गुरु। ए, अपना मुंह बंद कर। ये बताओ, तुम हमारी बुराई कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो? इतनी भी समझ नहीं है क्या? तारीफ ही तो कर रहा हूँ। बिल्कुल सही गुरु। किससे प्यार करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए इतनी भी इसे समझ नहीं है। एकदम सही गुरु। ए, अपना मुंह बंद रखेगा तू? मेरा मुंह तो बंद ही है। तुम सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। संतू, गौरी रो मत ना। गौरी, तेरे भाई में तो अकल नहीं है पर तुझ में तो है ना। रो मत, चुप हो जाना गौरी। गुरु, स्केच डालकर उठा ले क्या? पहले ये पता लगाएंगे कि वो राजकुमार है कौन, उसके बाद उठाएंगे। अरे इसने पसंद नहीं किया तो किसको क्या, इसका सर का तेल तो बहरा है। भाई मिस्टेक, जरा पूछ लो गलती से किसी और की फोटो तो नहीं है। पूछा था यार, कंफर्म यही है। तो गुरु अब क्या करना है? मुझे पता था तुम सब लोग मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाओगे। बता उस बंदर से तेरी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, बता, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गौरी प्लीज तू रो मत, ठीक है, अपनी लव स्टोरी मुझे बता, पहले रोना बंद कर। ठीक है। ओए मामा, कहाँ गया चश्मा, कहाँ गया? हीरो के इंट्रोडक्शन में गाना होता है, हम जैसों के लिए ठोकर। क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत में तो ठोकर ही लिखी है। कहाँ गया मेरा चश्मा? थैंक यू। उस दिन जब उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, उसी पल मुझे उनसे प्यार हो गया, लव हुआ। उसका मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना? उसी समय एक चुड़ैल आकर हमारी लव स्टोरी में दीवार बन गई, वो हैवान हम दोनों के बीच में आ गई। कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा राजकुमार हर हाल में चाहिए। अच्छा, इसे वही चाहिए। पिछली बार आया था तो यहीं पर था, आज कहाँ चला गया? ओए माँ, थैंक यू थैंक यू। तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ। मैं कॉलेज में आया हूँ या फिर नर्सरी स्कूल में, जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर किस लिए आया था? हाँ, लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी ढूंढते हुए यहाँ तक तो आ गया। हाँ, लाइब्रेरी लेफ्ट साइड में थी। लेफ्ट साइड में कौन सा हाथ है? ये, हाँ ये वाला। इस तरफ होगी, पक्का इधर होगी। चलो अबे देख के चलना। हाँ, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, हाँ, सीधा जाऊंगा तो लाइब्रेरी आएगी। सॉरी सॉरी राजकुमार, राजकुमार। ओहो, हम यहाँ इस राजकुमार को नहीं उस राक्षसी को उठाने आए हैं। चलो चलो, जरा भी अकल नहीं है कहीं का। ये है लाइब्रेरी, मुझे उस तरफ जाना है। एक्सक्यूज मी, इस शहर में नए हो क्या? नहीं,
पुराना है। लेकिन मैं नया हूँ, अभी अभी शहर में आया हूँ। आई एम स्टडिंग इन दिस कॉलेज। वो वीकेंड है ना, इसलिए मुझे अपने गाँव जाना है। इफ यू डोंट माइंड ड्रॉपिंग मी टू द बस स्टैंड। लगता है कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। वैसे क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? बकरे को ढूंढ रहा था तो बकरा मिल गया। बकरा? यू मीन भेड़? हाँ बैठो। थैंक यू थैंक यू। जय श्री गुरु पटरेशा। ये कौन है? हमारे कुल देवता है। अच्छा, देर हो रही है, बैठ जाओ। थैंक यू। चले? हाँ चलिए ना। ठीक है, थोड़ा आराम से चलाना, क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है ना। चलो। जेब में फोन है। हाँ मेरे जेब में फोन है। अरे तुम्हारा नहीं यार। तो फिर किसका? मेरी जेब में, निकालो। ओ नीचे नहीं यार, ऊपर। सॉरी, निकाल लिया। अब तुम किट्टी नाम पर डायल करो। किट्टी? वैसे ये कौन सी वाली किट्टी है? वो श्रीनगर की किट्टी है। और ये वाली? ये जॉली बॉय किट्टी है। किट्टी, हाँ मिल गया। क्या बोलूं? संतू ने किडनैप कर लिया है, तुम सब वहीं आकर मिलना, ऐसा बोल दो। हाँ ठीक है। वैसे ये संतू कौन है यार? मैं हूँ। ओके ओके, लेकिन तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? यूं ही, अप्रैल फूल बनाने के लिए। अप्रैल फूल? लेकिन अभी तो दिसंबर का महीना है, अप्रैल फूल कैसे अरे बनाएंगे? वो क्या है ना, ओ जोक है। देखो दिसंबर में त्योहार मनाते हैं ना, उसी तरह ये भी है। ओके ओके, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी तारीफ के पुल बांधूंगा। हाँ बोल भाई। हेलो टोनी महाराज, मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ, तुम्हारा गुरु डॉन। संतू महाराज जी ने मुझे ना किडनैप कर लिया है। हाँ? हाँ। तुम सब उसी जगह पर पहुँच जाओ। ओके 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 ओके। देखा ना सर। हाँ। मैंने आपको बॉस डॉन गुरु कहकर किस तरह टेरेस पर चढ़ा दिया है। मेरी तारीफ करके झाड़ पे चढ़ा तो दिया, लेकिन तुम्हारा जरा गलत केस का प्रोग्राम है। चलो। हाँ। क्या कहा? जोक? ओ अप्रैल फूल जोक। यस यस। अपनी जगह सावधान रहो। बाकी बाद में पता चलेगा। चलो चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। एक बार पहुँच जाए फिर सारा हिसाब चुकता करूँगी। मैं कौन हूँ, पहचाना क्या? योरे उपेंद्र के स्टाइल में डायलॉग बोलकर कंफ्यूज करेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या? रुक जा, आज तुझे ठिकाने लगा दूंगा। ए, मैं सिर्फ उपेंद्र जी के जैसा डायलॉग ही नहीं मारता, थ्रिलर मंजू और मैं लंगोटिया यार भी हैं, उनकी तरह फाइट भी करता हूँ, है ना मास्टर? हाय संतू। मास्टर जी। हेलो कैसे हो तुम? इतने सारे लोगों से तुम अकेले फाइट कर लोगे ना? कर लूंगा मास्टर। कर लूंगा क्या, जरूर करोगे यार। बिल्कुल मास्टर। धूल चटा देने। ओके थैंक यू मास्टर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट फिल्म में मैं तुम्हें लूंगा। तुम सब के लिए ये लड़का अकेले ही काफी है, मैं चलता हूँ। तुम लोग तो कई काम से। Yeah.
कबड्डी 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 रुक जा। ओ ऐ माय बॉल बॉल के लगा। चला गया, बहुत दौड़ा दिया इसने तो। भाग गया बापरे। चलो ये फॉर्मूला तो काम में आया। भेज रहा हूँ, उसके हाथ में पैसे दे देना। ए, जा हफ्ता लेके। भाई मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। तू जाने से इनकार करेगा तो तेरा लाइफ कैसे सेटल होगा बे? शैतान लोग पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। ए, पुलिस वाले भाई जरा इधर तो आना। क्या 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 हुआ बोलो भाई। यह पुलिस स्टेशन मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं बार और रेस्टोरेंट बनवाऊंगा, समझा क्या? ले लो ना भाई, मना किसने किया है? ये शहर आपका है, सरकार आपकी है, इसके साथ जो करना है करो ना। ए, मुझे पता है ये अपना ही शहर है, सरकार भी अपनी ही है, पर पुलिस स्टेशन तूने मेरे नाम कर दिया है, ऐसा मुझे एक पेपर पर साइन करके दे दे। नहीं लिखेगा तो जो लिखना है वो मैं लिख लूंगा। ऐसा नहीं होगा भाई, मैंने आपको ऐसा थोड़ी कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा भाई। ये बात तू अपने मुंह से नहीं कह रहा है, ये तेरी वर्दी तुझसे बुलवा रही है। अब मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। उठा लो इसको, ले चलो। अरे इतना बड़ा अन्याय मत करो, मुझे हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। मुझे उठा के ले जाना एक बहुत बड़ी पनौती है, वो बढ़ई मुझे उठा के ले गया था तो मर गया था भाई। इस बात के बोझ को छोड़ दो भाई। भाई मैं आपको एक सुपर आइडिया बताऊं क्या? क्या है? हमारे साहब को उठा के ले जाओ ना। वैसे किडनैप करने वाले हमेशा वैन या कार में आते हैं, लेकिन तुमने मुझे बाइक पर किडनैप किया है। और जिसे किडनैप किया जाता है उसे उठाकर किसी गोदाम में बंद करते हैं, और तुम मुझे इतने बड़े बंगले में लेकर आ गए हो। व्हाट्स हैपनिंग यार, आई कांट अंडरस्टैंड। खाने का खाना, पीने का पानी और भी बहुत कुछ।
ये शर्ट पैंट बेल्ट सिर का तेल ये सब कुछ तो देसी है और बात विदेशी है। दिखने में इतने से हो वो भी बिगड़ा हुआ अंडा। सॉरी भाई। अरे मारो मत मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। आई लाइक यू, यू आर अ गुड मैन। संतू भाई जो आपने लास्ट में बोला ना वो इंग्लिश थी। आई कैन स्पीक यू कांट स्पीक। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आगे एमएलए बनने वाला हूँ, रूल्स के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और फॉलो कौन करेगा? चलो यही नमूना है मेरा जीजा। जीजा जी ये कौन है बाय द वे? ये क्या, ये हमारे घर के एक पिलर की तरह है। ये जिस घर में रहता है ना वहाँ कीड़े मकोड़े छिपकली कॉकरोच कुछ नहीं रहता है, सब इनके पेट में समा जाता है। इसलिए हम अपने घर में कुत्ता नहीं पालते क्योंकि इनके रहते। हेलो, बहुत तारीफ कर चुके तुम मेरी, मुझे अपना पर्चा खुद देने दो। मैं इस घर का क्लर्क हूँ, जो भी कुछ बाहर जाता है दुगना होकर अंदर आता है। तुम भी इसने कहा कि क्लर्क है? मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे इसका नाम है नरसिम्हा। अच्छा, हमारे शहर के हर औरत का बायोडाटा इसके जुबा पर है। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ हटके तेरे कहने का मतलब क्या भाई? वैसे तुम मुझे घर में तो लाए हो, यहाँ पर ना शादी हो रही है ना कोई बारात है, मुझे अंडरग्राउंड करने वाले हो क्या? पूछ लो। बताओ भाई, बात करेंगे ना? वैसे हम ऊपर खड़े खड़े भी बात कर सकते थे। तेरी तो तुम गुस्सा मत करो, तुम बहुत बेकार आदमी हो। संतू सर, आपने तो मेरा किडनैप किया है ना और मुझे बेसमेंट से नीचे लाए हो ना, लेकिन यहाँ खाने पीने का इतना इंतजाम क्यों है? अतिथि देवो भव, बैठ जाओ। चखने में चिप्स सही नहीं रहेगा, पीने के लिए कुछ भी पियो अच्छा ही लगता है। यहाँ पर तो खिड़की भी है। हेलो, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? ये जगह बहुत बड़ी है। पानी उल्टी हो जाएगी यार। सही है सही है। ये लो। No, drinking is injurious to health, you know? ये तुमसे किसने कह दिया? मैंने फिल्म में उसको बोलते हुए सुना है। कौन? वो जो बिस्तर पर लेटकर बोलता है। क्या बोलते हैं? मैं हूँ महेश, मैं 2 साल से सिगरेट और शराब पी रहा था, मुझे कैंसर हो गया, मैं मर गया। हमने जितनी भी फिल्में देखी है उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। पूरी फिल्म में 2 ही आर्टिस्ट, बाप को मिलाकर 3 पूरी लोग। पूरी फिल्म में कोई कुछ बोलता ही नहीं तो फिर महेश कैसे बोलेगा? पूरी फिल्म में साउंड नहीं था, देख के हंसी आ रही थी। अच्छा ये नरसिम्हा, जरा इधर। मैं जब पीता हूँ तब तू मुझे बहुत प्यारा लगता है यार, दिल करता है मैं तेरी पप्पी ले लूँ। आदमी आदमी की पप्पी लेगा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या जमाना आ गया है। एक सांस में पी गया। अटैक अटैक। मेरे पंटर मेरे साथ सिर्फ दारू पीने तक रहते हैं, उसके बाद कहीं नजर नहीं आते। ए नसीमा, अरे क्या हुआ तुझे? मुझे प्यार हो गया, बता रहा क्या करूं मैं, बता रहा। तो क्या हुआ? परसों ब्याज भरने के लिए आई थी, पता है उसकी बेटी को कब से दाना डाल रहा हूँ। फिर क्या हुआ प्यारे? मुझे प्यार हो गया लेकिन वो किसी और के साथ। बहुत दुख हुआ है गुरु, बेटी की जगह मैंने माँ पे ट्राई किया तो उसके पति को पता चल गया, उसने मुझे बहुत मारा गुरु। ये कोई प्यार है क्या? क्या बोल रहे हो, क्या हुआ है? ऐसा भी कोई प्यार होता है क्या? जो प्यार बेटी से नसीब नहीं हुआ वो मैंने माँ से चाहा, तो क्या गलत है इसमें? इसमें कोई गलत नहीं है यार। संतू सर, ये आप क्या कह रहे हैं? प्यार के बारे में आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? प्यार क्या होता है आपको क्या पता? बॉटल उठा के तेरा सर फोड़ दूंगा, किससे बात कर रहा है तू? हैं, पता है तुझे इसका प्यार कैसा है? मैं बताता हूँ, रुक। तुम्हें पता है क्या प्यार क्या होता है? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बचपन के सावन के रेंज से ही प्यार करते आया हूँ। टूटा फूटा प्यार, अरे वो तो हम भी करते हैं। वो पीने से पहले। पीने के बाद हम सब लोग पक्का क्रेजी स्टार। हाय मेरी माँ, क्यों ये मौसम नहीं बन रहा है? बिल्कुल। वो वाला शुरू करना। ऐसा क्या सॉन्ग सुनाऊंगा तो ये पिघल जाएगा यार, ये बच्चा है। सॉन्ग होता है, डांस भी होता है। नहीं नहीं, अपना तो रोमांटिक सॉन्ग है, फुल क्लासिकल। सुनना है क्या? सुनाओ सुनाओ, एक बार हो जाए सुनाओ। अभी सुना दूं क्या?
ठीक है सुनो। हेलो, ये गाना तूने पहले कभी नहीं सुना? अरे मैं भूल गया था यार, अभी बस याद आया तो ऐसे ही सुना दिया। भाई जब ये संतू सर, मैंने बहुत सी फिल्मों में देखा है कि किडनैप करने के बाद आदमी को बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन आप लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बल्कि मुझे दामाद की तरह इज्जत दे रहे हो। आपने मेरा दिल जीत लिया, आई एम लविंग इट। ये बात तो हमने सोची नहीं यार। मतलब किडनैप करके लाने पर पिटाई करनी पड़ती है क्या? टॉर्चर भी तो करना है। मैं तो बोल ही गया था, अभी बांधते इसको, मैं रस्सी ले गया था। लेकर आओ, लेकर आओ। मेरे भाई चलता सर, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। अच्छा मैं चलता हूँ। बैठे रहो। लेकिन संतू सर, हाथ का ए, गधे मुझे नहीं, इनको बांध। बांध तो कंफ्यूज हो गया था। ला भाई हाथ। नहीं भाई, नहीं मारूंगा एक बार। ला देख तो कैसे खोलते हैं। पहले तेरी पिटाई मैं शुरू करूंगा। मेरी बात तो सुनिए। आपका नाम? नरसिम्हा। खूंखार नरसिम्हा, अबे तुझे दिखता नहीं है क्या, वो मेरा जीजा है बे। जीजा बनने के लायक हो गया तुम्हें चेरी को। वो कालिया, वो सांड, वो जंगली सांड मुझे भगा रहा है। वो अगर यहाँ आए तो कह देना कि वो उस तरफ गया और मैं इस तरफ गया हूँ, ठीक है ना? तू घूमा है क्या? अरे यार किससे पाला पड़ गया? अरे आगे भाग। अबे मैं उसे कितनी दूर से दौड़ा कर ला रहा हूँ और तू उसे भागने का मौका दे रहा है? अरे खड़ा क्या, जाल को पकड़ के ले जा। कह रहा था मैं पिता ने भी नशा कैसे चढ़ा, कमाल है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ बड़ा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। सुनो, भगवान के वास्ते कोई मेरा चश्मा दे दो भाई प्लीज। थैंक यू। जानू और चाहिएगा तुझे? गौरी जी आप यहाँ? मतलब ये सब मैं हूँ। मतलब साले साहब वाले भाई वो कह रहा है उसे, मतलब संतु आपका भाई है? संतु कह रहा है? संतु सर आपके भाई है? ऐसे उन्हें साले साहब क्यों नहीं कहा? मेरा भाई हर किसी को रिस्पेक्ट करने वालों में से है, बदतमीजी नहीं करता वो। समझा करो ना प्लीज। ऐसे बिहेव मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तुम जानती है मुझे कब से मार रहा है? तू मेरी बहन से शिकायत कर रहा है? क्या कर रहे हो संतु सर? एक मिनट सुनिए जरा। बोलो। उई माँ, देखिए क्या है कि अगर हम आराम से बैठकर बात करें, मुझे कुछ हो रहा है। संतु सर, नेचर इज अर्जेंट कॉलिंग मी, मेरा मतलब किलिंग मी, मुझे जाने दीजिए। आप लोग हंसो मत प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं समझ गया, तुम बैठे रहो, तू इधर आ। आप समझ नहीं रहे हो सर। क्या है ना कि भैया, ये वसूली का मैटर बहुत इजी है, लेकिन ये जो किडनैप मैटर होता है ना, उसमें बहुत सरदर्द होता है। मैं उसी लेकर थोड़ा मूड बनाता हूँ। थोड़ा यहाँ देख और यहाँ भी देख, कितना टेंशन है, दिखाई दे रहा है ना? मुझे ना मत बोल, थोड़ा ही लेना, सिर्फ एक ही पैक। ओके मेरी लाडली। अच्छा पी ले। चबूतला मेरी बात सुनिए, इन सबको बाहर भिजवाइए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब यूसी के बच्चे किससे बात कर रहे हैं? यहाँ सब लोग साथ बैठे हुए तो लड़के से अलग बात कर रहे हैं। इंग्लिश किताब पढ़िए, पता है इंग्लिश में ये फटके का एक्सपेरिमेंट, हिंदी में घुसा बोलते हैं इसे, समझे? अबे बैठ, यू सिट डाउन गधा कहेगा। संतू सर आपसे दो रिक्वेस्ट है, पहली ये कि उस लड़की को आप प्लीज छोड़ दीजिए ना, और दूसरी कि मुझे जाने दीजिए, मुझे कोने में जाना ही पड़ेगा, प्लीज संतू सर समझने की कोशिश करो ना। उतने बड़े दिल वाले नहीं है भाई, कोई एक रिक्वेस्ट ही पास करेंगे, वो क्या है वो तुमको डिसाइड करो। लूसी चाहिए या सुसु चाहिए? लूसी या सुसु? सुसु। अरे मोटा आया बाबा, उधर जाता हूँ। अरे देना यार। अरे वो आ गया मोटा। तूने उसे सिगरेट पिलाकर पूरा कर देगी? सिगरेट पिलाता है, चल जा। ए ऊपर वाले मुझे बचा ले, ये खुला सांड मेरे पीछे पड़ गया। हाय।
क्या है बे इधर? अबे तेरी तो इधर बैठकर नौटंकी कर रहा है, जा उसके पीछे। जा। अब मेरी हिम्मत भी टूट रही है, ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, अब इन्हें कैसे समझाऊं? चुपचाप इज्जत से बात कर यूसी, हमारी बच्ची तुझे क्यों नहीं पसंद है? ए, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मैं तुमसे जीनियस भी हूँ। तुम्हारी बहन के पास क्या है बोलो? मेरी बहन के पास माँ है बस, और बाप अंग्रेज के बूटी की औलाद। हमारा मजाक उड़ा रहा है, यहाँ पे मजाक उड़ाने का हक सिर्फ मुझे है। क्या डायलॉग बोला है? ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। यहाँ तो कोई बजा ही नहीं रहा है। प्लीज संतू जी, ज्यादा बोला तो आंतड़ियां खींच लूंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज जाने दो। चल इसे खोल दे। ए, क्या बोला रे तूने? तेरे पास कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, किसे चाहिए ये सब रे? इसे खरीदने की दौलत उसके पास भी है, समझा? क्या नाम है तेरा? तुझे तो मैं क्या करूँ, तेरा तेरी तो अबे अरे मैं राजकुमार के परिवार से हूँ, मुझे मारो मत। ये तो राज भाई के परिवार से, मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। बड़े भाई, आप न जाने किस रूप में कैसे और कहां पर आकर मुझे बचा लेते हैं, आप सच में ग्रेट हो भाई। hey, इनका नाम राजकुमार नहीं गोपी है। चाली बारू में जैसे सारे लोफर लोग, गोपी बेचारे ठीक वैसे ही है चोर। ऐसे गाकर लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इसलिए इन्होंने नाम चेंज कर दिया। वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। तू हमारा जीजा बन जा, तेरे लिए जान भी दे देंगे, और नहीं बना तो तेरा पैर भी फोड़ देंगे। इसका तो रिएक्शन ही चेंज हो गया। चुप करो, मैंने कितनी बार बोला उसे रोका नहीं जा रहा है, मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं बताओ, निकल गई ना। कितना सारा निकाल दिया, बदबू आ रही है, कब तक रहेगा? Only 5 hours। खोलो इसे, चल जा यहाँ से, ए जल्दी खोलना। चल भाग। वैसे टॉयलेट कहाँ पर है? उधर है जा। पानी जैसा ही है ना, पैंट से टपक रहा है। कैसा आदमी है ये, किसी काम का नहीं है यार। हमारी बहन इसके प्यार में छाती पीट रही है, उसे शहर में कोई नहीं मिला क्या? कमाल है। अरे बाप रे, सॉरी सॉरी सॉरी, टॉयलेट कहीं है ना? हाँ, जेंट्स टॉयलेट। अरे पुलिस वाले के पीछे तुम्हें मुझे लेके जाएगी। तू यहाँ क्यों आया? संतू संतू, मुझे बचा ले भाई, मैं अब पुलिस वाला बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो बचने के लिए आया हूँ। वो गुंडा, वो राजनेता मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है यार, क्या करूँ मैं? वो कह रहा था पुलिस स्टेशन उसके नाम कर दूँ मैं। लगता है वो भी इधर आया होगा। ए जाकर देखो, जाओ जाओ ना, जल्दी जल्दी जाओ। मेरा यकीन करो संतू। अरे चुप रह, अगर मैं अपनी जबान से पलट जाऊँ तो अपने हाथों से मेरा सर कलम कर देना, अगर मैं अपनी जबान से मुकर जाऊं तो मेरा शीश काट के अपने चरणों में अर्पित कर लेना भगवान के लिए संतू, मेरा यकीन कर, यकीन कर, यकीन कर। ए, कौन है तू? यहाँ पर कोई पुलिस वाला है क्या? यहाँ कोई पुलिस पुलिस वाला नहीं आया, अंदर जाओ खुद देख ले। लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। हाथ आया हुआ नहीं वाला कोई ऐसे छोड़कर नहीं भागता। मैं मान नहीं सकता, मान नहीं सकता, नहीं मान सकता, इस पुलिस वाले की ख्वाहिश नहीं पूरी होगी। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, वैसा इंसान नहीं हूँ, वैसा इंसान नहीं हूँ। तेरे होलिया बिगाड़ दूंगा। तू कैसा भी इंसान हो, हम पुलिस वाले पे यकीन नहीं कर सकते। अरे पुलिस वाले ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया हमारे पुलिस वाले ने? ऐसा क्या किया? वो मोटा तुझे दौड़ा रहा है तो तू भाग क्यों रहा है बता? कोई टैक्सी वाला गलती करता है तो तू उसे लूटता है, सुबह से शाम तक पाप ही पाप करता है। मेरी बात पे तुझे विश्वास नहीं है ना? तो अली दादा से पूछ, मार्टिन दादा से पूछ, किसी भी टपोरी से पूछ। ओ यहाँ सब काम बंद करके बैठे रस्सी ला रहे हैं, तुझे यकीन दिलाने के लिए मैं खाता हूं तेरी कसम। तेरी जान का, अबे इसे लेके जा यहां से। चल अब तू मेरे साथ चल, चल चल चल, मुझे मत मारो, पुलिस स्टेशन में बांधता ना, हम तुझे यहाँ बांधेंगे, घबरा मत। इज्जत से चल, नहीं तो तू अब ये कौन है?
ए, छोड़ो उसे। नरसिम्हा, हे, शेर आगे आता है तो कुत्ते को दुम दबा के पीछे हट जाना चाहिए। तो जाओ ना, अबे जा अटैक कर, जा। अरे भाई, ये, अरे अटैक करना। अरे छोड़ो छोड़ो, ए, ओह, इतनी। बांधे इसे भी। ए चल। क्या शादी मुझे नहीं करनी है भाई? ओ लड़की कहाँ मिलेगी? आया आया मैं आया। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम कहाँ से आ गए? इसे यहाँ किसने बांधा है? ये भी मेरी तरह ही लग रहा है। वैसे संतु सर, इन दोनों के मीटर डाउन क्यों है? शेर रेस्ट कर रहा है। अच्छा, ज्यादा खाना खा लिया होगा इसलिए रेस्ट कर रहा है। हेलो, संतु सर, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आदमी को ना अपना काम खुद ही करना चाहिए। वो अब्राहम लिंकन थे ना, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो अपने शूज खुद ही पॉलिश करते थे, इसीलिए अपना काम खुद करना चाहिए। अच्छे से साफ करो। ला ला ला, दो नंबर तो नहीं किया ना? अबे यहाँ लड़की है, थूक तेरे पे। ए, इसके लिए किसी की अंडरवेयर लेके आ जा। नो 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 संतु सर, नो, मैं किसी दूसरे के अंडरगारमेंट्स कभी यूज नहीं करता, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, यू सी। अच्छा, ए, पहना हुआ भी उतार के दे दे। नो नो नो, जाना है इसको। नहीं, नो 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 संतु सर, ऐसा मत करिए। तेरी, तेरा इरादा क्या है? अरे नहीं नहीं, आप जाइए, मैं काम खत्म करके आता हूँ, आप उतार कर रेडी रहिएगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, सरोजा बहन का बेटा संतु आपकी बहन को किडनैप करके अपने फार्म हाउस लेके गया है, उसे वही छुपा कर रखा है। क्या कहा, मेरी बहन को? हाँ साहब। अब वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। इस बार यहाँ के उत्सव में मुर्गियाँ बकरे नहीं कटेंगे, इंसान इंसान कटेंगे। हाँ, बांध कर रखा है किसको? अंग अंग। हाँ, अंग अंग भाई। संत को है? बैच वसूली लड़की, कौन सी लड़की? अंग 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 अंग। संत को किसी लड़की ने बांध कर रखा है? हाँ, ये सही बता ना। संतु को बांध कर रखा है शादी के मंडप में। अजी सुनते हो? ओ भगवान, मेरे लाल को किसी ने बांध कर रखा है। अरे जल्दी आइए ना। एक्सक्यूज मी संतु सर, एक बेल्ट मिल सकता है क्या? वो क्यों? उनकी साइज का अंडरवियर मेरे कमर में रुक नहीं रहा है, तो मुझे उसे बांधना है। और क्या क्या चाहिए? तो कुछ मत बोल। बेल्ट चाहिए तुझे? बेल्ट चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही काम चला लूंगा। मैं बैठता हूँ। तू मेरी बहन से प्यार क्यों नहीं करता? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। असल में बात क्या है मैं बताता हूँ। संतु सर, आपकी ये जो बहन है ना, पूरे कॉलेज में राउडी की तरह फेमस है। सारे लड़के उसे देखकर थर-थर कांपते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। हाँ, ये सच है कि तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं तो सिर्फ संभावना से प्यार करता हूँ। प्यार किसी और से और शादी किसी और से करूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि आई एम जेंटलमैन, यू नो। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। अरे यार, कौन आ गया? इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? दो पैसों के लिए मेरे बेटे को बांध कर रखोगे? हाँ, मुझसे मांगे होते तो मैं देती नहीं क्या? हाँ, मुझे क्या समझ रहा है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चुप को चिंता जला दूंगी। मैं तू भी यहाँ है, मेरी बेटी को बचा नहीं सकता, वो अपने आप को दोष कहता है। हाँ, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। तू भी यहीं पर है? अरे बंद करिए, बांध के रखा है मेरे बेटे को, बांध के रखा है और तू मुझसे बात कर रहा है? बता। अरे संतु, तू यहाँ पर है? तेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना? संतु, मुझे कहीं चोट तो नहीं आई ना बेटा? मुझे क्या हुआ है माँ? उस गुंगे ने आकर मुझे क्या क्या बताया मैं समझ नहीं पाई। रास्ते में जो भी मिला सबको पीटती चली आई। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। जरा बाजू हट। गौरी,
संतु सर, संतु सर, ये कौन मैं घर रे? जा सकता हूँ क्या? ठीक है, यहीं ये पर सब क्या हो रहा है? माँ वो तो मैं ए, उसे कॉल नहीं माँ ये तो हाँ? सुन सरोजा बहन, तेरा और तेरे बेटे का कुछ ज्यादा ही हो गया है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि मेरी तरफ मत आना, लेकिन तुम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की ना। ए, पहले तो मेरे साले को उठा के ले आया, फिर उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। हो सकता है मेरे साले ने कुछ गलती की हो, ये सोच के मैं चुप रहा, लेकिन आज तूने मेरी घर की बच्ची को उठा लिया, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? ए, अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कल तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे। वो क्या है ना सेसप्पा, मैं चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों सेसप्पा, बात जाने बिना ही चिल्लाने लगे? हाँ मानता हूँ मैंने किडनैप किया है, तो क्या कर लोगे बताओ? किडनैप किया? देखिए सेसप्पा जी, जो होना था सो हो गया। ये ना समझ है, बेवकूफ गलती कर बैठा। बचपन से ये ऐसे ही मारपीट करते हुए बड़ा हुआ है, इसे माफ कर दीजिए। देखिए दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं चलेगा, पिछली बार भी तुम माँ बेटे ने ऐसा ही ड्रामा किया था, इस बार मैं माफ नहीं करूँगा। देखिए ऐसी बातें मत कीजिए ना, मैंने कहा ना ये बेवकूफ है, अनजाने में गलती हो गई। दिल बड़ा करके इसे माफ कर दीजिए, इसकी गलती की मैं माफी मांगती हूँ। सब कुछ भूलकर मैं आपके पैर पड़ गई। नहीं मुझे सब पसंद नहीं है, लेकिन इस बार क्या होता है वो मुझे देखना ही है। सुनो जीजू, बात कैसे करनी है तुझे पता नहीं है क्या? तू चुप कर ना, पहले तुम चुप रहो। अब तुझे क्या बकरा, चल बक। ए संतु, तुझे पता है किसे उठा कर लाया तू? संभावना, मेरी बहन है वो। संतु सर, किसको डरा रहे हो? मैं भी बुलाऊं क्या? कहाँ हो मेरी बहना, 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 बहना? भैया मैं आ गई। देखा भैया, मुझे मेरा राजकुमार चाहिए, हम एक दूसरे को चाहते हैं भैया, प्लीज भैया मुझे राजकुमार चाहिए। कह रही है राजकुमार मुझे चाहिए, ऐसे कह रही है जैसे इसे वो मिल ही जाएगा। हमारे लड़कों को अंदर बुला रहे। भैया मुझे भी यही राजकुमार चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? तुम्हारा दामाद यही है, अगर कोई आनाकानी की ना तो मैं इसके सपोर्ट में आ जाऊंगा। तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैं भी देखती हूँ तेरे फैसले के खिलाफ कौन ज्यादा है। कितना मारे जबान पे कायम रहो, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे सपा देख, मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कोई क्या नहीं है। मुझे भी मेरे घर की इज्जत प्यारी है। तो मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी है। अरे अरे क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा? अरे जीजा जी भाग, देखो कोई मेरे पास इनकी तो नहीं पता।
डोंट वरी। अरे उसे छोड़ो ना, मैं हूँ ना, तुम्हें तो मैं संभाल लूंगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। एक काम करते हैं, हम यहाँ से सीधे मड़करी जाएंगे। पता है मड़करी कितनी खूबसूरत है, और उसके बाद भाई छोड़ दो मुझे, मत मारो। अरे मत मारो मुझे, कहाँ फंस गया मैं? कबड्डी कबड्डी कितने कबड्डी खेलूं? अरे मेरी आंखें, मेरे चश्मा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारी साइड हूँ। अरे मेरे चश्मा कहाँ है? तूने चश्मा लिया मेरा? मिल गया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तू आइए ले। अरे तुम तो अच्छे आदमी हो। सॉरी मारना मत। आज सुबह उठ के अपनी शक्ल देखी थी मैंने। ये सब तेरी वजह से हुआ, मुझे नहीं छोड़ना। अरे इधर देख, तू मिल नहीं सकता, उसका सपना देख रही है। जोर से नहीं लगी क्या? तेरी आग कहाँ गया पुलिस वाला? तेरी तो ये मैं आ गया हूँ। कलूटा, थैंक्स हाँ। भैया, कहाँ पर? हाँ मैं यहीं पर हूँ, तुम क्यों आ रही हो? इसके लिए मैं कहता हूँ ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। लाती हो तो ले आओ, मैं सारे कपड़े ले आता हूँ, ठीक है? ओके, रेडी हो जाओ, उसके बाद में फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम इनकार क्यों कर रही हो? भागते भागते थक गया, यहीं पे रेस्ट कर लेता हूँ। कितना मारते? अबे क्या हुआ? पूरा बदन तोड़ दिया, सिर्फ सिर को छोड़कर। सिर बाकी है? हो गया। ये चक्का चक्का। मुझे मत मारो, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। माने नहीं आता क्या? तुमको आता है क्या? मुझे दे बताती हूँ। अच्छा तू जरा वहाँ देख तो, इसे इस तरह पकड़ा जाता है, वहाँ देखना। फिक्र मत करो डियर। ओके मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
ए थू नालायक हो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। अरे माँ, अरे बाप रे, मैं तो गया। अरे मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। सिर घूम रहा है। ए एक और। से ट्राई कर रहे थे। सच में तुम अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस ना बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर, ये नीला रंग, I love नीला रंग। कितना दुख रहा सप्पा जी। आपको पता है ना कि आपको खून किसने दिया है? इस सांप को दूध किसने पिलाया है? मुझे खून देने वाली वो महान हस्ती कौन है ये तो बताओ डॉक्टर साहब। जल्दी बताओ ना, कौन है मुझे एहसान का बदला चुकाना है? अरे मैं इस एहसान के बदले अपनी जान तक दे सकता हूँ डॉक्टर साहब। मैडम ने ही दिया है, सरोजा जी ने। ये भी? अरे मुझे खून दे के आज तुम मेरी सगी सगी बहन बन गई हो, हमेशा खुश रहो बहन। किस्मत वाला है कि तेरे हाथों से मेरी मौत नहीं हुई, वरना तू मेरा भांजा नहीं बन पाता। ओ सगे मामा जी, ऐसे अच्छे टाइम पर एक सुपर एडवाइस दे रहा हूँ, जरा सुन लो। कल तक लड़ते रहे, आज मेरी माँ तुम्हारी सगी बहन बन गई। अब तो वो कुर्सी छोड़ दो, ये राजनीति वगैरह सब हमें ही करने दो, क्या कहते हो? मेरा नाम क्या है पता है ना तुझे? शेषप्पा। ये शेषप्पा से जान मांगता तो दे देता मैं। माना तेरी माँ से खून का रिश्ता जुड़ गया, लेकिन भांजा जैसा भी हो सौतेला ही है ना। अबे ओ ब्याज वसूली, आगे तेरा बुरा वक्त आने वाला है। ओ नहीं मामा जी, पहले तो चलने फिरने के काबिल बन जाओ, उसके बाद डायलॉग देना। एक तो पहले एक आँख खो चुके हो, भूल दोगे तो दूसरी आँख भी चली जाएगी। मुझसे टकराने की कोशिश मत करना। वो बड़े हैं बेटा, तू चुप हो जाना, शांत हो जा। इस सप्पा से बहस मत करना। तेरी तो क्या पटपकी है, जा रहा है चुप।